हेलो स्टूडेंट्स, असी लैसन नंबर फोर्थ जिसका नाम है थ्री क्वेश्चंस, उसका कुछ पार्ट रीड कर चुके हाँ। जो बाकी पार्ट है वो इस वीडियो विच रीड करांगे। लैसन की स्टोरी नू पूरा समझण वास्ते असी पहला जो रीड किया है उसनू ब्रीफली रिमाइंड करांगे ताँ जो लैसन की स्टोरी नू समझना सौखा हो जाए। जिस समय राजा सन्यासी कोल अपने सवालों के जवाब लैण वास्ते आया तां एक व्यक्ति राजे तो अपना बदला लैण वास्ते राजे दे मगर आया, पर रस्ते विच राजे दे अंग रख्यक ने उसनू पछाण लिया अते जख्मी कर दिता। वो व्यक्ति बचदा होया सन्यासी की झौपड़ी कोल पहुंचया जिथे राजे अते सन्यासी ने उसदे जख्मां ते पट्टी करके उसकी जान बचाई। जिस समय उस जख्मी व्यक्ति नू होश आया तो उसने राजे नू कहा कि मैनू माफ़ कर देवो, पर राजे ने कहा कि माफ़ी किस गल दी जद मैं तुहानू जानदा ही नहीं। इस तो अगे जो स्टोरी है शुरू करते हाँ। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू, सेड द बियर्ड मैन। जद जख्मी व्यक्ति ने राजे नू कहा कि मैनू माफ़ कर देवो तो राजे ने उस समय जवाब दिता कि मैं थानू जानदा नहीं हाँ, माफ़ी किस गल दी। तां उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने जो अगों जवाब दिता उसने कहा यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू, सेड द बियर्ड मैन। तुसी मैनू नहीं जानते पर मैं तुहानू जानदा हाँ, दाढ़ी वाले आदमी ने कहा। आई एम एन एनिमी ऑफ यूअर्स, मैं तुहाडा एक दुश्मन हाँ। आई हैड स्वॉर्न टू हैव रिवेंज ऑन यू बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड साइज्ड आर प्रॉपर्टी। मैं बदला लैण की सहुं खाधी सी क्योंकि तुसी भरा नूं मौत दे घाट उतार दिता अते साडी जायदाद जब्त कर ली सी। आई न्यू यू हैड कम हेयर, मैं जानदा सी कि तुसी इत्थे आए हो। आई हैड मेड अप माई माइंड टू कैल यू ऑन यूअर वे बैक, मैं तुहानूं वापस जाण समय मारन दा मन बना लिया सी। बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न, पर दिन बीत गया तुसी वापस नहीं आए। वेन आई केम आउट ऑफ माई हाइडिंग प्लेस यूअर बॉडीगार्ड रेकोगनाइज्ड मी एंड वाउंडड मी। जब मैं अपनी लुकण वाली थान तो बाहर आया तुहाडे अंग रख्यक ने मैनू पछाण लिया ते जख्मी कर दिता। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई वुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वॉन्ड्स। मैं उस तो बच निकलिया पर मेरी मौत हो जाती जेकर तुसी मेरे जख्मां ते पट्टी ना बन्नी हुंदी। आई विश्ड टू किल यू बट यू हैव सेव्ड माई लाइफ, मेरी इच्छा तुहानू मारन दी सी पर तुसी मेरा जीवन बचाया। नाओ इफ आई लिव आई विल सर्व यू एज यूअर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, प्लीज़ फॉरगिव मी। हुण जेकर मैं ज्यौंदा रहिंदा हाँ तां तुहाडे सब तो वफादार सेवक वजों तुहाडी सेवा करांगा, कृपा करके मैनू माफ़ कर देवो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव वॉन एन एनिमी सो ईजली एज अ फ्रेंड, राजा बहुत खुश सी एक दोस्त दे रूप विच इन्नी आसानी नाल एक दुश्मन नूं जित्तिया। ही फॉरगिव हिम एंड सैड दैट ही वुड सेंड हिज ऑन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। उसने भाव राजे ने उस
व्यक्ति नूं माफ़ कर दिता ते कहा कि वह उस दी देखभाल लई अपना डॉक्टर भेजेगा। ही आलसो प्रोमिसड टू गिव हिम बैक हिज प्रॉपर्टी। उसने भाव राजे ने उस व्यक्ति की जायदाद वापस देने का भी वादा किया। लिविंग द वाउंडड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट। जख्मी आदमी नूं छड्ड के राजा झौपड़ी तो बाहर चला गया। ही लुकड राउंड फॉर द हरमट। उसने सन्यासी नूं आसपास देखिया बिफोर गोइंग बैक। ही विश्ड वंस मोर टू आस्क द हरमट फॉर आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस। वापस जाने तो पहला उसने एक बार फिर सन्यासी तो अपने सवालों के जवाब पूछने की इच्छा की। द हरमट वॉज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बिन डग द डे बिफोर। सन्यासी क्यारी विच बीज रहा सी जिसनों एक दिन पहला पुटिया गया सी। द किंग वेंट अप टू द हरमट एंड सैड ओ वाइज हरमट फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन। राजा सन्यासी कोल गया ते कहा हे बुद्धिमान सन्यासी आखिरी वार मैं तुहानू अपने सवालों के जवाब देने वास्ते बेनती करता हाँ। Your questions have already been answered, said the hermit. तुहाड़े प्रश्नों का जवाब पहला ही दे दिता गया है, सन्यासी ने कहा। Have been answered. What do you mean, said the king. जवाब दे दिता गया है, तुहाड़ा की मतलब है, राजे ने कहा। Yes, look here. रिप्लाइड द हरमट। हाँ देखो, सन्यासी ने जवाब दिता। इफ यू हैड नॉट हेल्पड मी येस्टरडे एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी यू वुड हैव गोन अवे। जे तुसी कल मेरी मदद ना कीती हुंदी अते मेरे लिए क्यारियां ना पुट्टियां हुंदियां तुसी चले जांदे। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू। फिर उस आदमी ने तुहाडे ते हमला कर देना सी। देन यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड हेयर विद मी। फिर तुसी सोचना सी कि काश मैं सन्यासी कोल ही रुक गया हुंदा। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर हैल्पिंग मी एंड डिगिंग द बैड्स फॉर मी। इसलिए सब तो महत्वपूर्ण समा सी जदों तुसी मेरी सहायता कर रहे सी अते मेरे लिए क्यारियां पुट रहे सी। एंड आई वॉज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन एट दैट टाइम। मैं उस समय सब तो महत्वपूर्ण आदमी सी। टू डू मी गुड वॉज़ यूअर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस। मेरा भला करना सब तो महत्वपूर्ण काम सी जो तुसी कीता। लेटर When that man came running to us, the most important time was when you were nursing him. बाद विच जद वो आदमी साढ़े कोल दौड़दा होया आया, सब तो महत्वपूर्ण समा उह सी जब तुसी उसकी देखभाल कर रहे सी। If you had not dressed his wounds, he would have died. जेकर तुसी उस दे जख्मां ते पट्टी ना कर दे, उसने मर जाना सी। You could not have worn him as a friend. फिर तुसी उसनु कदे भी अपने मित्र दी तरह जित नहीं सकदे सी। So he was the most important person at that time. इसलिए वह सब तो महत्वपूर्ण आदमी सी जिस दी तुसी मदद कीती। What you did for him was your most important business. ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਸੀ। ਰਿਮੈਂਬਰ ਦੈਨ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ।
फिर याद रखो सब तो महत्वपूर्ण समा केवल एक है, दैट टाइम इज नाउ, वो समा है हुण। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ ओनली नाउ वेन वी हैव एनी पावर टू एक्ट। ये केवल सब तो महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सिर्फ हुण ही है जब साढ़े को इसनों करन दी शक्ति है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट परसन इज़ वन विद होम यू आर एट अ पार्टिकुलर मोमेंट। सब तो महत्वपूर्ण व्यक्ति वो है जो किसी खास समय ते तुहाडे नाल है। यू नैवर नो वट विल हैपन इन द फ्यूचर, तुसी नहीं जानते कि भविख विच की होवेगा। यू डोंट नो वैदर यू विल एवर मीट दैट मैन अगेन और नॉट, तुसी ये भी नहीं जानते कि जो आदमी तुहानू मिलिया है वो दोबारा मिले जा ना। थस द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट परसन गुड। सब तो महत्वपूर्ण काम तुहाडा यही है कि उस व्यक्ति का भला करना। एंड फॉर दिस परपज अलोन वाज मैन सेंट इन टू दिस वर्ल्ड, अते केवल इस उद्देश लई मनुख नू दुनिया विच भेजा गया सी। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करदा हाँ कि इस लैसन की स्टोरी तुहानू समझ आ गई होवेगी। थैंक यू।